नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप रेडमी 6A की लाइट कैसे बना सकते हैं। अगर फॉल्ट आया तो आप कहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करनी है, तो मैं आज ऐप फाइंडर टूल के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप कैसे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। आपको रेडमी का 6A फ़ोन आता है तो डिस्प्ले के लिए आपको कहीं से भी कुछ नहीं भटकना है। मैं सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारे कॉम्पोनेंट्स, आज मैं ट्रेसिंग नहीं बताऊँगा, आज आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो में हमेशा आपके लिए ले करके आता रहूँगा फ्रेंड्स। तो आप आज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं कि हम कैसे कौन से कॉम्पोनेंट्स को आपको यूज़ करना है। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप ऐप फाइंडर यूज़ कर रहे हैं तब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अगर ऐप फाइंडर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको ट्रेसिंग का नॉलेज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हमारा ऐसे टेलीकॉम आप ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। इसलिए फ्रेंड्स आपको अगर ट्रेसिंग का नॉलेज नहीं है तो मैं बता भी दूंगा फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए हमने यहाँ पे खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा रेडमी 6A का बोर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा रेडमी 6A का बोर्ड है। आप यहाँ पे बोर्ड को मैच भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। तो ये हमारा Redmi 6A का बोर्ड है जो कि आज हम डिस्प्ले सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं ब्रीथ प्रैक्टिकल। तो आज हम डिस्प्ले सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्ले सेक्शन में भी आप यहाँ पे जाएंगे फ्रेंड्स तो मैं आपको यहाँ पे टच भी ले लूँगा और LCM बैक लाइट, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले लूँगा। LCM डिस्प्ले और यहाँ पे टच स्क्रीन। तो मैं यहाँ पे आपको पहले LCM के बारे में बताऊँगा, फिर ये LED लाइट के बारे, LCD बैक लाइट के बारे में है, ये आपका डिस्प्ले। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड आपको यहाँ पे पहले मैं डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ फिर आपको मैं बताऊँगा टच के बारे में। तो पहला सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊँगा। यहाँ पे तीन सोल्यूशन दिए गए हैं, आपको तीनों में से 110% सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। तो चलिए पहले सोल्यूशन पे आते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हमने पहले सोल्यूशन पे क्लिक किया है तो सबसे पहले कनेक्टर आपको सबसे पहले फाइंड करना है। कनेक्टर आप ये बोर्ड को दोनों तरफ देख लेंगे, बोर्ड को दोनों तरफ आप एक एक करके दोनों तरफ बोर्ड को आपको ट्रेस करना है। अब यहाँ पे ट्रेसिंग करने के लिए आपको बहुत ही सुविधा मिलने वाली है। कैसे फ्रेंड्स, आपको इन कंपोनेंट्स के पास जाना है। सबसे पहले तो आपको कनेक्टर के पास ही जाना है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं आपको इन कनेक्टर के पास ही जाना है। सबसे पहले बैटरी अपने डिस्प्ले कनेक्टर के पास जाना है। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रिमूव और रिप्लेस करने की बात आ रही है। रिमूव और रिप्लेस, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं रिमूव और रिप्लेस, यहाँ पे भी एक कंपोनेंट्स है रिमूव और रिप्लेस। ये क्यों बोला जा रहा है, सबसे पहले हमें इनको चेक करना है कि ये पैलर में लगे हैं तो हमें रिमूव करना है, क्योंकि शॉर्ट हो जाएंगे तो आपका डिस्प्ले काम नहीं करेगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए इन्हें रिमूव और रिप्लेस करना है। मतलब आपको एक कंपोनेंट्स यहाँ पे चेक करना है, दूसरे तीन कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे चेक करने हैं और दो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पे चेक करने हैं और एक कंपोनेंट्स आपको लेफ्ट साइड में चेक करने हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, और इसके बाद फिर आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे उसी बोर्ड में आपको जाना है फ्रेंड्स, उस ऊपर जाना है, राइट में सबसे ऊपर जाना है। तो देखते हैं एक कंपोनेंट्स और ब्लिंक कर रहा है, आपको इस कंपोनेंट्स पे भी चेक करना है। ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स को रिमूव नहीं करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स लगा है इस कंपोनेंट्स को आपको चेक करना है कि ये शॉर्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव और रिप्लेस। रिमूव हम किस कंडीशन में करते हैं, शॉर्ट के कंडीशन में करते हैं। अगर वो शॉर्ट होगा, लीकेज होगा, तो उस कंडीशन में भी हमें रिप्लेस करना है। अगर आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज नहीं है तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, बट अगर कंपोनेंट्स का नॉलेज है, आपको सोल्यूशन चाहिए डायरेक्ट सोल्यूशन, तो ये बहुत ही बेस्ट वीडियो है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको जाना है सबसे पहले इस बोर्ड में, बोर्ड के सेकंड पार्ट में। अब आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट्स मिलेगा, यहाँ पे भी रिमूव रिप्लेस करना है, कंडीशंस आपको चेक करनी है। यहाँ पे एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है PM के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको
हर एक चीज़, जितनी भी ब्लिंक दिख रही है फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है जितनी भी यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है जिस कंपोनेंट्स पे, आपको ऐसा रख लेना है और इन सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है वन बाय वन। अगर वो लीकेज होगा, शॉर्ट होगा, तो आपका वो काम नहीं करेगा सेक्शंस। तो आप ये सारे अगर ओके रहेंगे तो आप सोल्यूशन नंबर टू पे जाएंगे हमारे। अगर सारे कंपोनेंट्स सही हैं तो आप सोल्यूशन नंबर टू में जाएंगे। जैसा कि हम सोल्यूशन नंबर टू में जा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सोल्यूशन नंबर टू में जा रहा हूँ। और जैसे हमने सोल्यूशन नंबर टू पे गया फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा जूम करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसको जैसे हमने जूम कर लिया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा फ्रेंड्स, वन मिनट। जैसे हमने यहाँ पे जूम कर लिया फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जूम कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आप कनेक्टर के पास ही, कनेक्टर के पास, अब वो एक कंडीशन जो पहला हमने बताया था रिमूव और रिप्लेस, आपको शॉर्ट कंडीशन में वहाँ पे आपको शॉर्टिंग चेक करनी थी और लीकेज चेक करने थे। उतने कॉम्पोनेंट्स के पास आपको शॉर्टिंग और लीकेज चेक करना था। और यहाँ पे फ्रेंड्स केवल आपको रिमूव और जम्पर और रिप्लेस के लिए बोला जा रहा है। इस कंडीशन में सीरीज कॉम्पोनेंट्स लगे होंगे जो कि वह ओपन हो गया होगा या लीकेज हो गया होगा। तो आपको इन सारे कॉम्पोनेंट, जितने कॉम्पोनेंट कपलर यहाँ पे है और यहाँ पे जो भी कॉम्पोनेंट्स लगा है, इन कॉम्पोनेंट्स को आपको चेक करना है। इसके बाद देखना है कि ये हमारा लीकेज या ओपन, पहले वाले कंडीशन में शॉर्ट होगा या लीकेज होगा, और इस कंडीशन में आपका फ्रेंड्स ओपन हो गया होगा। तो आपको इन सारे कॉम्पोनेंट्स पे आपको रीडिंग चेक करनी है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद अगर ये ओपन हो जाता है तो आपको जम्पर कर देना है, नहीं तो फ्रेंड्स आपको रिप्लेस कर देना है। अब हम दूसरे बोर्ड की तरफ जाएंगे, तो दूसरे बोर्ड की तरफ हम देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे भी कोई बीप कर रहा है या ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो हम दूसरे बोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी कोई भी ब्लिंक नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। मतलब आपको वहीं पे ट्रेसिंग करना है, वहीं पे कंपोनेंट्स को चेक करना है, और वहीं पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको ओपन कंडीशन देखना है। फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको शॉर्ट कंडीशन, लीकेज कंडीशन ढूंढनी थी। सेकंड कंडीशन में आपको इस वाले जितने भी ब्लिंक कर रहे हैं कंपोनेंट्स पे, आपको ओपन कंडीशन या लीकेज कंडीशन फाइंड आउट करना है। चलिए अब तीसरे सॉल्यूशन पे चलते हैं फ्रेंड। तो तीसरा सॉल्यूशन, डायरेक्ट आपको सबसे पहले आपको पीएम पे काम करना है। जैसा कि मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आपको कहीं भी ब्लिंक करने को नहीं दिख रहा होगा। आपको सिंपली आपको फ्रेंड्स पीएम पे काम करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधा आपको सबसे पहले, मैं थोड़ा सा और जूम करूंगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियर तरीके से पता चल जाएगा। सभी क्या करते हैं, बस एक ही दो चीज़ करते हैं, बट आपको एक दो चीज़ नहीं करना है। आपको फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर से करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आप रिहॉट कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिबॉल करना है, उसके बाद आपको रिप्लेस करना है। आपको पावर आईसी को 3 बार करना है तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। सबसे पहले रिहॉट और रिप्लेस लास्ट में करना है, सबसे पहले रिहॉट, रिबॉल और रिप्लेस। फिर उसके बाद अगर आपने चेंज कर दिया तो सीधा आपको सीपीयू पे जाना है और सीपीयू को आपको रिबॉल करना है। पहले तो आप रिहॉट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको रिबॉल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड तो आपको उसको रिबॉल ही करना है, रिहॉट करना है, फिर रिबॉल करना है। और देखिए यहाँ पे रिबॉल और रिहॉट फ्रेंड, तो आपका 110% ये सीपीयू, जैसे ही आप इसको रिबॉल करेंगे आपका 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आपको डिस्प्ले के बारे में बताया गया, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टच के बारे में। तो क्योंकि डिस्प्ले से ही कनेक्टेड होता है, अब जैसे हम टच पे क्लिक करेंगे, अब टच पे भी 3 सॉल्यूशंस है। इसमें आपको केवल 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे, ओपन, लीकेज और आपको शॉर्ट, और अब सीधा आईसी लेवल पे। तो हम पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे हम पहले सॉल्यूशन पे गए, हम इसको बैक करेंगे और जहाँ जहाँ पे हमें ब्लिंक मिल रही है, जितने कॉम्पोनेंट्स पे मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बोर्ड है कनेक्टर के पास ही, ये आपका टच सेक्शन है, ये आपके टच की लाइन है, टच के कॉम्पोनेंट्स है। आप देखते ही हमारे वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पे जितने भी कॉम्पोनेंट्स आपको ब्लिंक कर रहे हैं, वो कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए और वो कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। ये आपको चेक करना आना चाहिए, तभी जाके आप फाइंड आउट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले कंडीशन में आप देख रहे होंगे फ्रेंड, जहाँ जहाँ ब्लिंक कर रहा है रेड और येलो, वहाँ पे आपको सीधा चेक करना है कि हमारा वो कॉम्पोनेंट्स लीकेज या तो ओपन तो नहीं है। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहूँगा फ्रेंड्स आपके लिए। सेकेंड सोल्यूशन पर चलते हैं।
तो जैसे हम सेकंड सोल्यूशन पे गए तो केवल और केवल फ्रेंड्स एक जगह आपको टच की लाइन में केवल एक जगह आपको बोला जा रहा है कि एक कॉम्पिटेंस पे आपको यहाँ पे केवल जंपर या रिप्लेस करना है। तब कंडीशन में करना है जब वो लीकेज के कंडीशन हो या ओपन के कंडीशन में, तब आपको कॉम्पिटेंस को चेक करना है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही आपको जंपर और रिप्लेस करना है। अब चलिए तीसरे सोल्यूशन पर चलते हैं। अब तीसरे सोल्यूशन पे केवल और केवल फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो सीधा आपको यहाँ पे इन दोनों आईसीयू को, सबसे पहले इस आईसीयू को आपको रिबॉल करना है, फिर रिप्लेस करना है, फिर इस आईसीयू को आपको रिबॉल करना है, तो आपका 110% टच और डिस्प्ले काम कर जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ऐसे ही देखने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे, अब ये वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जिन भाइयों के पास ये टूल नहीं है, अगर उनके पास टूल है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है फ्रेंड्स तो उनके लिए तो बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो है। आप यहाँ से इन कॉम्पोनेंट्स को, जितने कॉम्पोनेंट्स को हमने बताया है आपको, उस कॉम्पोनेंट्स के आधार पे जो हमने बताया है आप उस पर चेकिंग करेंगे तो आपका समय बचेगा और बहुत ही इजीली तरीके से आप उसको ट्रेसिंग कर पाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें और ऐसे ही आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जिससे कि हम आपके लिए हमेशा एक दो वीडियो कंटेंट हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। तो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो अगर जिन भाइयों के पास फाइंडर नहीं है तो मैं उनके लिए वीडियो हमेशा शूट करता रहूँगा, और हर एक सेक्शन का और हर एक मॉडल का, जितने मॉडल हो सकेंगे मैं उतने मॉडल के वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।